वेलकम टू ऑल आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लेसन प्लानिंग टाइप्स ऑफ लेसन प्लानिंग टीचिंग इज अ प एक्टिविटी अ टीचर अरेंज डिफरेंट एक्टिविटीज इन क्लासरूम टीचिंग टू अचीव सम स्पेसिफिक लर्निंग इन बिहेवियरल टर्म्स द बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव कैन क्लासीफाइड इंटू थ्री डोमेन्स कोगिनेटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन द लेसन प्लान में बी क्लासीफाइड इंटू थ्री कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लेसन प्लान रिलेटेड टू नॉलेज लेसन प्लान रिलेटेड टू अप्रिसिएशन एंड लेसन प्लान रिलेटेड टू स्किल्स टीचिंग एक परपजफुल एक्टिविटी है एंड ऑर्गेनाइज एक्टिविटी है टीचर्स मुख्तफ एक्टिविटीज़ को अरेंज करते हैं अपनी क्लासेज में ताकि लर्नर्स के बिहेवियर में तब्दीली ला सकें एंड बिहेवियरल ऑबजेक्टिव को अचीव कर सकें दीज बिहेवियरल ऑबजेटिव आर डिडेड इंटू थ्री कैटेगरीज़ कोगनीटिव एफेक्टिव एंड साइकोमोटिव डोमेन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते वक्त इन्हीं तीन डोमेन्स को मद्देनजर रखा जाता है और इन तीन जो डोमेन्स हैं इनको प्रेजेंट किया है बेंजामिन ब्लूम ने द बेसिस फॉर लेसन प्लानिंग अभी हमने जो देखी कि हम, हमारी जो कैटेगरीज हैं रिलेटेड टू नॉलेज रिलेटेड टू अप्रिसिएशन एंड स्किल्स दीज आर डिपेंड ऑन दीज थ्री डोमेन्स इन सब की जो बेस है वो इन तमाम डोमेन्स के ऊपर है कोगनेटिव डोम कोगनेटिव डोमेन इज़ रिलेटेड टू माइंड इसका ताल्लुक़ लर्नर्स की ज़हनी जो सलाहते हैं उसकी जो मैंटल एबिलिटीज़ हैं उनसे होता है और उसके नॉलेज और उसकी मालूम से होता है अफेक्टिव डोमेन का ताल्लुक लर्नर्स की तासरा की तब्दीली से है स्टूडेंट्स की फीलिंग्स इमोशंस एंड उनके एटीट्यूड से इस चीज़ का ताल्लुक होता है और साइकोमोटर डोमेन इज रिलेटेड टू साइको मोटर स्किल्स स्किल्स की डेवलपमेंट लेसन प्लान रिलेटेड टू नॉलेज दिस द पर्पस ऑफ लेसन प्लान इज़ टू प्रोवाइड द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंटेंट और कौन सब्जेक्ट मैटर टू नॉलेज कॉम्प्रीहेंशन एप्लीकेशन एनालिसिस एंड सेंथेसिस ऑब्जेक्टिव में भी अचीव बाई यूज दिस टाइप्स ऑफ लेसन

स्टूडेंट्स की मालूमत उनके नॉलेज उनकी कॉम्प्रीहशन उनकी समझने की सलाहियत उनकी मालूम को सेव करने की सलाहियत उनकी उनको अपलिकेशन मतलब उनको अप्लाई करने का जो स्टूडेंट्स की एबिलिटी है और उनको एनालाइज करने की जो एबिलिटी है उसको देखा जाता है और तमाम चीज़ें जो है इसका ताल्लुक हमारी नॉलेज से और हमारी जो कोगनीटिव डोमेन है उसके साथ होता है इसमें इस जो इस टाइप में जो इलम और मालूम जो है इसके ऊपर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है और इसमें ज़्यादातर जो सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है उसमें मैथमेटिक्स है साइंस और सोशल स्टडीज़ वगैरह में इस्तेमाल करके जो उसके डिज़ायर्ड जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं उनको अचीव करने की कोशिश की जाती है ताकि हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके लेसन प्लान रिलेटेड टू एप्रिसिएशन इस टाइप uh, का जो ताल्लुक़ है इस लेसन प्लान का उसका ताल्लुक है हमारी को अफेक्टिव डोमेन से द मेन फोकस ऑफ एप्रिसिएशन लेसन इज टू डिप द एफेक्टिव आस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स के तसराती तब्दीलियाँ जो हैं लाइक लेसन प्लान इज़ प्रपेयर फॉर डेवलपिंग एटीट्यूड फीलिंग्स एंड वैल्यूज अमंग द स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स की फीलिंग्स उनकी एटीट्यूड्स और उनकी जो वैल्यूज हैं उसके साथ इसका ताल्लुक़ होता है तो इसके अंदर जो है इसमें ये एक लेसन प्लान है जिसमें स्टूडेंट्स की जो एस्थेटिक एबिलिटीज़ होती हैं जमालियाती सलाहितों की डेवलपमेंट जो है इसमें की जाती है और इसमें जो सब्जेक्ट ज़्यादातर देखे जाते हैं जैसे स्टूडेंट्स को जिनके लिए लेसन डिजाइन किया जाता है इसमें है जो मौसीकी होती है मतलब ज़्यादातर ये म्यूज़िक की क्लासेस में इसको इस्तेमाल किया जाता है इसके अलावा आर्ट या लैंगवेज वगैरह सिखाने के लिए इस लेसन प्लान को इस्तेमाल किया जाता है और इस किस्म का ज़्यादातर इस्तेमाल मुख्तु किस्म के मजामी में मुख्त ऑब्जेक्टिव के हसूल के लिए किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स जो है वो अपनी स्किल्स को भी इम्प्रूव कर सकें और साथ उनकी जो इन्जॉयमेंट है और उनकी जो चीज़ों को इन्जॉय करते हुए अपनी स्किल्स को डिवेलप करें उनको अंडरस्टैंड कर सकें और तो इसका ताल्लुक हमारी जो स्टूडेंट्स के एटीट्यूड्स उनकी फीलिंग्स और उनके इमोशंस उनकी जो तासराती तब्दीलियाँ उसके साथ होता है लेसन प्लान रिलेटेड टू स्किल्स इस लेसन प्लान का ताल्लुक जो है वो साइकोमोटर जो हमारी डोमेन है उसके साथ है साइकोमोटर डोमेन में जो स्टूडेंट्स की जो फ़नी उनकी स्किल्स होती हैं जो उनका हुनर होता है उस चीज के साथ ताल्लुक होता है तो दिस द स्किलसन आर डिज़ाइन टू अचीव द साइकोमोटर लर्निंग ऑब्जेक्टि द लैंग्वेज इज़ कंसिडर्ड अ स्किल सब्जेक्ट बिकॉज इट इंक्लूड्स देर स्किल्स रिगार्डिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग इसमें यह कहा जा रहा है कि जो एक लैंग्वेज जो हमारा एक जो लैंग्वेज या कोई सब्जेक्ट होता है जिसका तल्लुक किसी जुबान से हो तो जैसे हम बच्चों को लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो उसमें हम स्टूडेंट्स को जो है उसकी कम्युनिकेशन जो स्किल है उसको इम्प्रूव uh, करने की कोशिश करते है, communicative abilities को हैं कम्युनिकेटिव एबिलिटीज़ को उभारते हैं ताकि जो है वो स्टूडेंट्स उस जुबान को कि जो लिसनिंग और स्पीकिंग रीडिंग और राइटिंग ये चारों स्किल्स जो हमारी कम्युनिकेशन की हैं वो इम्प्रूव हो सकें ताकि स्टूडेंट्स जो है वो उस जबान को लिखना बोलना पढ़ना और समझना सीख सकें दिस टाइप ऑफ लेसन प्लान इज़ प्रिपेयर्ड यूजुअली इन लैंग्वेज तो ये लैंग्वेज क्लासेस में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है और इसके अलावा इसमें जो टीचिंग जो डिज़ाइन की जाती है वो ड्राइंग और म्यूज़िक साइंस और एग्रीकल्चर टेक्निकल सब्जेक्ट्स वगैरह में इसको इस्तेमाल किया जाता है इसके अलावा इसमें स्टूडेंट्स की जो फ़नी महारतें होती हैं जो इनकी स्किल्स होती हैं जो उनका हुनर होता है और इनकी क्रिएटिव एबिलिटीज़ की जो डेवलपमेंट है उसकी उसको इसमें मदद मिलती है तो जब भी लेसन प्लान या कोई भी ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं तो इसमें स्टूडेंट्स की साइकोमोटर उनकी प्रोफेशनल या उनकी फ़नी जो स्किल्स हैं उनको भी मद नज़र रखा जाता है ताकि हम बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ उनकी साइकोमोटर एबिलिटीज भी इम्प्रूव कर सकें डिटेल्ड लेसन प्लान मीन्स के तफसीली। अ लेसन प्लान इज़ अ थॉरो डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टीचर्स इंस्ट्रक्शन फॉर अ पर्टिकुलर क्लास टीचर यूजुअली मेक्स अ डेली लेसन प्लान टू टीच अ स्पेसिफिक कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन टीचर्स जो है वो ऑल जो है वो यूजुअली डेली अपनी जो उन्होंने पढ़ाना होता है उसकी लेसन प्लानिंग करते हैं और अपनी इंस्ट्रक्शंस को अपनी एक्टिविटीज़ को सेट करते हैं तो डिटेल लेसन प्लान में टीचर्स जो है वो उसको डिटेल में प्लान करते हैं कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी कौन से कॉन्टेंट्स uh, होंगे उसको कि, कितना टाइम होगा जिसमें उसने ये तमाम एक्टिविटीज़ करवानी होंगी तो इसको हम बोलते हैं डिटेल मतलब लेसन प्लान तो इफ़ अ टीचर प्लान ऑन डिलीवरिंग मोर दैन वन लेसन इन वन क्लास ही कैन डिवाइड इंटू मेटी द मटीरियल इंटू मल्टीपल लेसन प्लान तो अगर तो लेसन प्लान बहुत ज़्यादा डिटेल में है तो उसको वो डिवाइड करके पढ़ा लेता है तो तफसीली जो लेसन प्लानिंग है आम तौर तो, पर टीचर्स जो हैं इसको ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो है जो डिफरेंट वर्कशॉप्स में इनको डिटेल लेसन प्लान जो है इसको बनाना जो इसको तरतीब देना सिखाया जाता है डिटेल लेसन प्लान का मकसद ये नहीं कि स्टूडेंट जो टीचर्स जो बोलेगा वो उसको स्टूडेंट्स है वो लिखते जाएँ बल्कि इसका मकसद ये होता है कि हम टीचर्स को उनकी जो इम्पोटेंट और अहम और जो गैर अहम बातें होती हैं उनमें डिफरेंस करना बता सकें इसमें जो टीचर्स हैं वो प्लानिंग करते वक्त भरपूर अंदाज़ में इस चीज़ को मद्द रखते हैं कि जो प्लानिंग उसने की है ड्यूरिंग प्लानिंग जो इस तरीकाकारख्तियार किया है जिसके ज़रिए से उसके ज़रिए से उसके जो डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव हैं उनका हसूल जो है वो मुमकिन हो सके ब्रीफ लेसन प्लान इट इज़ आल्सो कॉल्ड शॉर्ट लेसन प्लानिंग शॉर्ट लेसन प्लानिंग में एक्सपर्ट टीचर्स होते हैं जो कि इसको अपने सब्जेक्ट्स को काफ़ी सालों से पढ़ा रहे होते हैं उनको इसमें काफ़ी जो है एक्सपीरियंस होता है तो इसमें टीचर्स जो है वो प्लानिंग करते वक्त अपना एक जो एजुकेशनल ड्राफ्ट है उसको मरतब देते हैं उसको तरतीब देते हैं और जो एक्सपर्ट टीचर्स होते हैं उसमें अपने लेसन को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके मुनासिब अंदाज़ में हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव उनको अचीव करने के लिए इस प्लानिंग को अप्लाई करते हैं ताकि जो है वो इस प्लानिंग के ज़रिए से बच्चों को जो है वो लेसन जो उनकी जो टीचिंग है वो लेंथी भी ना लगे बच्चों के लिए ईजी भी हो और उनके लिए इंटरेस्टिंग भी हो तो इस तरह से वो अपने लेसन को जो डिटेल में लेसन होते हैं उनको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं तो इसमें सबक की जो जो लेसन की जो प्रिपरेशन की जाती है उस्ताद को इससे बहुत ज़्यादा जो मदद मिल जाती है इस तरह से कि वो थोड़े से टाइम में एक डिटेल्ड लेसन को कवर अप नहीं कर पाता तो इसके लिए शॉर्ट प्लानिंग करनी पड़ती है उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है अपने टॉपिक को और इस तरह से उसको आसानी हो जाती है तो ये एक मख्तिर और जामिया जो लेसन प्लान है इसको कहा जाता है तो, तो दैट इज़ शॉर्ट और ब्रीफ लेसन प्लान